बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 12। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अगर टॉपिक आपको पेपर में आ जाता है तो इससे पहले अगर हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम सच दैट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके डेफिनेशन और कंडीशंस पे हम विद इन 3 मिनट्स दोबारा आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। अब हमारे पास दो मीडियम है, नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है। लाइट एंटर हो रही है डेंसर से रेयर मीडियम, भारी से हल्के मीडियम में लाइट एंटर हो रही है। हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हल्के से भारी में जाती है तो बैंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब भारी से हल्के में जाती है तो बैंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपने ये बात नोट की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। फिर आपने पढ़ा था कि इन दोनों की रेशो, इनके साइन की रेशो सेम रहती है। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है, जैसे आप नेक्स्ट फिगर में देखें कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को मज़ीद बढ़ा दो, इससे ज़्यादा कर दो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में वो एंगल एट विच क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है जी, 90 डिग्री। मतलब लाइट डेंसर से रेयर में जाने के बाद बिल्कुल 90 डिग्री पे बेंड कर गई है, नॉर्मल के साथ एंगल है 90 डिग्री। तो इस एंगल को हम कुछ नहीं कहते, मगर ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। हम दोबारा देखते हैं, एक लाइट थी, उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ था, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, वो बेंड कर गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है कि अगर हम मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं तो लाइट ऊपर तो जा नहीं सकती, बिकॉज ने बैंड करना है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है। हालांकि आप देखो, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऊपर कोई पेंट नहीं हुआ भाई, ग्लास और ये एयर है, ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लाइट गई लेकिन बाहर नहीं गई बल्कि रिफ्लेक्ट होके अंदर ही आ गई। ऐसा कब होगा, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जब एक खास वैल्यू से ज़्यादा होगी तब ऐसा मुमकिन होगा। तो अब हम डेफिनेशन को देखते हैं, वो आपको समझ भी आएगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यही पहली कंडीशन है कि लाइट रेयर से डेंसर नहीं बल्कि डेंसर से रेयर जानी चाहिए, तो क्या होगा, और क्या कंडीशन है। एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो लाइट बाहर नहीं जाती, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये प्रोसेस बहुत यूज़फुल है, इसकी दो अभी हम एप्लीकेशन पढ़ें, इसकी मेन एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, सबसे पहली बात ये कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री हो। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द बेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये 90 डिग्री है, ऐसे प्रिज्म को क्या कहते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब आपने इस सारी बात को गौर से सुनना है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमने कोई नॉर्मल ड्रॉ किया। होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से लाइट आती है, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो एंगल है वो आपको पता है कितना है, इट्स ए 90 डिग्री, या जीरो भी कह सकते हैं बिकॉज बिल्कुल पैरेलल है। अब यहाँ पे असल फोकस करने वाली बात है, वैसे ही जो नॉर्मल है इसका एंगल होता है 90 डिग्री, और ये वाली ब्लू लाइट जो एंटर हो रही है ये इस नॉर्मल के लिए एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम कर रही है, तो उसने इस 90 डिग्री एंगल को हाफ हाफ में कट कर दिया 45, यानी कि 45 में। अच्छा, अब जो ग्लास होता है उसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, मतलब अगर लाइट का एंगल 42 से ज़्यादा हो जाए तो लाइट बाहर नहीं जाएगी बल्कि वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल यही हो रहा है,
कि लेफ्ट हैंड साइड से लाइट इंसिडेंट होती है, इस सरफेस से टकराती है, बाहर नहीं जाती बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज़्यादा है, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप आपने देखी होगी, पेरिस्कोप ये ऐसी एक मतलब डिवाइस है जो टैंक्स में यूज़ होती है बिकॉज टैंक्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते, या दीवार की दूसरी साइड पे, जैसे कि फर्ज कर लें ये जो पेरिस्कोप है कोई बंदा यहाँ पे देख रहा है, ये दीवार है तो ऊपर एक प्रिज्म लगा हुआ जो यहाँ से लाइट को कैप्चर कर रहा है और ये लाइट को टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है एक दफ़ा 90 डिग्री एंगल पे, और फिर ये लाइट को दोबारा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही जो प्रिज्म आपने भी देखा है, अगर आप सिर्फ इसकी डायमेंशन चेंज कर दें, अगर आप इसको इस तरह से रख दें कि लाइट बेस से एंटर और हाइपोटेन्यूज से स्ट्राइक करें, तो देखिए फर्ज करें यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल होगा 45, ठीक है। तो एक दफ़ा लाइट एंटर हुई 45 की वजह से, क्योंकि एंगल ऑफ क्रिटिकल 42 है और ये लाइट आ रही है 45 पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर गई। यहाँ पे देखें अगर आप फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करें इस पॉइंट के अराउंड, तो फिर एंगल 45 है यानी कि 42 से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे इस प्रिज्म के अंदर दो दफ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, पहले 90 डिग्री की बेंडिंग यहाँ पे हुई, फिर 90 डिग्री की बेंडिंग यहाँ पर हुई, तो मतलब टोटल बेंडिंग कितनी होगी 180 डिग्री की। इसके भी एप्लीकेशन है बायोनोकुलर दूरबीन में, जैसे कि फर्ज करें आप इस पॉइंट से देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है जो दूर का इमेज खींचता है, वो इस वाले प्रिज्म को सप्लाई करता है, ये वाला प्रिज्म इस आने वाली लाइट को दो दफ़ा टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करके इस प्रिज्म को दिखाता है, और ये वाला प्रिज्म लाइट को दो दफ़ा टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाता है। तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने दो इसके यूजेस देखे हैं, पेरिस्कोप और बायोनोकुलर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।